फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और अभी हम सब जा रहे हैं बाहर, ये देखिए सब लोग तैयार हो गए हैं। और आज हम जा रहे हैं ट्रेन वाले रेस्टोरेंट में, क्योंकि आप लोग कह रहे थे ना कि ट्रेन वाले रेस्टोरेंट में कब जा रहे हो, तो आज हम लोग वही। आवाज बहुत गूंजती है इस गैलरी में। अभी बाहर अंदर से जल्दी जल्दी तैयार होके आ गए थे, वहां मैंने कुछ बोला नहीं, वीडियो नहीं शूट किया। अब यहाँ पे बहुत आवाज गूंज रही है। और ये देखिए लिफ्ट बंद हो रही है, ऐसा कई बार हो जाता है। तो अभी ये नीचे जा रहे हैं और लिफ्ट हो सकता है वो नीचे भैया हो नहीं, इसलिए ऑन नहीं किया उन्होंने, तो मम्मी को दिक्कत हो जाएगी नीचे तक जाने में। तो ये जाके नीचे ऑन करवा देंगे, उसके बाद लिफ्ट से चली जाएंगी मम्मी। तो ये दोनों लोग जा रहे हैं। और ये देखिए, ये इनकी मनपसंद का है जो मुझे दिला के लाए थे। एक भी बार नहीं पहना, लेकिन आज मैंने इसको पहन लिया। मैंने कहा सर्दी में ठीक लगता है ऐसे मोटे मोटे कपड़े, तो वही दिखा रही थी आप लोगों को। और इन्होंने टेबल भी बुक कर ली है। अभी जब मैं आप लोगों को ड्रेस दिखा रही थी, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी भीड़ हो जाती है, फुल रहता है हमेशा। मतलब खाना तो ठीक ही, खाना तो और जगह भी लोग जा सकते हैं, लेकिन लोग घूमने के लिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ एक नया एक्सपीरियंस होता है जाके। ये पहुंच गए हम। और अभी ना ये देखिए पूरा रेस्टोरेंट, अभी ज़्यादा भीड़ नहीं दिख रही है। मुझे लग रहा था हमेशा की तरह हो सकता है ज़्यादा भीड़ हो, छुट्टी वाले दिन ज़्यादा भीड़ रहती है, अभी फ़िलहाल उतनी नहीं हो रही है। और मम्मी को जिस दिन से डोसा हाउस ले गए थे, एक ही बार ले गए बाहर खाना खाने, उसके बाद वो खुद ही मना कर देती हैं। वो कहती हैं हमें घर की सब्जी रोटी अच्छी लगती है, बाहर का नहीं अच्छा लगता। लेकिन क्या है, देखने के उससे भी अच्छा लगता है कि कैसे ट्रेन में खाना आता है क्या है, तो ये सब देखने के उससे मैंने कहा नहीं मम्मी चलो एक बार दिखा के लाते हैं। और अयान की बॉटल में मैं पानी संग में ही लेके आई हूँ, गर्म पानी, क्योंकि उसको खांसी आ रही थी तो बहुत तेज आने लगती है कफ की वजह से, तो उसका पानी संग संग लेके चल। क्या बोल रही थी गुस्सा होके दीदी? इधर आ जाओ। ऐसे बोली थी आपको? तो आप तंग कर रहे थे ना, इसलिए बोली थी वो। आप तंग क्यों करते हो? और जैसे ही सिग्नल की लाइट जलती है वैसे ही ट्रेन आ जाती है, मतलब पहले से तैयार हो जाओ ट्रेन आ रही है। इसलिए तभी मंगाया था स्टार्टर, और समझ में नहीं आ रहा था स्टार्टर में क्या मंगाऊं। इन्होंने ही अपने पसंद का मंगवाया है, क्योंकि मैं बाद में बहुत पछताती हूँ अगर मैं कुछ पसंद करके मंगवा लेती हूँ, क्योंकि वो मुझे ही नहीं अच्छा लगता बाद में। तो यहाँ पर इन्होंने मंगवाया है मंचूरियन और उसके बाद में वेज रोल, तो वही हम लोग थोड़ा थोड़ा सा इन्जॉय कर रहे हैं स्टार्टर को, तब तक खाना आ जाएगा। और खाने में भी वेज कोल्हापुरी, ये हमने एक बार मंगवाई थी तो काफ़ी अच्छी लगी थी हमें, तो वही सब्ज़ी इन्होंने दोबारा से मंगवाई है। पनीर चटपटा और एक सब्ज़ी और मंगवाई, वो टमाटो कैस्यू, तो यही सब्ज़ियाँ मंगवाई थी। और रोटी चावल यही सब हमने खाया पिया। उसके बाद स्वीट में हो रहा था कन्फ्यूजन के स्वीट क्या मंगाए, तो इन्होंने क्योंकि ज़्यादा ऑप्शन नहीं दिख रहे थे, तो इन्होंने मंगवाया है सीताफल रबड़ी। तो मुझे ज़्यादा बहुत मीठी लग रही थी ये, तो फिर इन्होंने खाई है। ऐसे भर रही, नंबर मिलने वाले हैं तो मैं कुछ भी लिख दो यार। नंबर भी बनना है, एनिवर्सरी, ईमेल सब बनना है, आधार कार्ड बन के घर में आ जाएगा। हाँ, और सब एक्सीलेंट कर दो यार, एक्सीलेंट कर दो सब। एक्सीलेंट ही है सब, कर कुछ वेरी गुड है, आउटस्टैंडिंग। अरे क्या बात है, अभी एक्सपीरियंस अच्छा आएगा ना। मैं तो जाने वाला था यार, बिल पे बंद कर दिया, मैं जाने वाला था, मैं भूल गया था। सच में भूल गया था मैं, क्योंकि मेरा खा लिया था ये। वो देखने में अच्छा लग रहा, वो ले लो। हैं, वो सब देख के डर गई, ये वाला तो देख के बिल्कुल भी नहीं लेंगी। तो जब स्वीट में बहुत ज़्यादा मीठी थी ना वो सीताफल रबड़ी, तो फिर इन्होंने चेंज करके मंगवाया। और जो ये येलो आइसक्रीम थी, इसमें नंदनी ने और इन्होंने आधा आधा शेयर करके खाया, और जो बाकी आइसक्रीम थी उसमें मम्मी और हमने खाया है। तो ये हाजमोला लोगे क्या? एक ले लो सब, नहीं घर पहुँच के खाना है। चलो तो चलिए चलते हैं। अच्छा लगा मम्मी को ये वाला रेस्टोरेंट दिखा के, और बस हमारा डिनर हो गया, अब घर पहुँचते हैं। नीचे उनके लिए डायपर मंगाए थे ना बेटे के लिए,
तू कह रही थी कि दीदी थोड़े से बड़े मंगा दो, थोड़ा सा बड़ा साइज मंगा दो, क्योंकि उनके दो बच्चे हैं, क्योंकि बेटी भी है और बेटा भी है, दोनों ही थोड़े थोड़े से अंतर है, तो उन्होंने दो तो रख लिए हैं लड़के के लिए। वो कह रही थी एक एक्सचेंज करके थोड़ा सा बड़ा मंगा दो। और ये सच में काफी अच्छे, आप लोग कह रहे थे ना दीदी ऐसे आराम से वॉश कर सकते हैं कि नहीं, तो इसे इजिली वॉश कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग क्लोथ डायपर यूज कर रहे होंगे पहले से उनको पता होगा कि इनको यूज करना बहुत आसान है, आराम से इन्हें साफ कर सकते हैं, इसके पैड को भी वॉश कर सकते हैं। आप लोग पूछ रहे थे कि इसके अंदर जो इस तरीके का पैड है लगाने के लिए, इसे वॉश कर सकते हैं नहीं, तो इसको भी साफ कर सकते हैं आराम से, इसे हाथ से भी धो सकते हैं, वॉशिंग मशीन में भी डाल सकते हैं, मतलब हाथ से वॉश करने के बाद मशीन में डाल दे तो उसमें धुल भी जाएगा और सूख भी जाएगा, तो ये काम इजी हो जाएगा। और क्योंकि आप लोग कह रहे थे ना कि ऐसे तो बराबर ही पड़ जाते हैं ये वाले लो या वो वाले लो, लेकिन वो वाले क्या है उसमें बच्चों को रैसेस होने की ज्यादा दिक्कत रहती है, काफी देर पहने रहते हैं, लेकिन इसमें बच्चे जैसे रेगुलर पैंट पहनते हैं ना उससे भी ज्यादा सॉफ्ट है, तो बच्चों को इरिटेशन नहीं होता। उसमें क्या है वो डायपर पहनाने के बाद में अगर आप मोटे मोटे कपड़े पहनाते हैं तो बच्चे बहुत इरिटेट होते हैं, खुजली होती है बच्चों को, मतलब आराम नहीं रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें दिक्कत रहती है, इस वजह से इसमें पता ही नहीं चलता, इसमें उनको ऐसा लगता है कि ये जैसे नॉर्मल पैंट वेंट पहने हो ना वैसा फील होता है। तो मुझे लगता है अयान के टाइम पे जब अयान छोटा था तो मुझे ज्यादा क्लोथ डायपर वगैरह के बारे में उतना नहीं पता रहता था, ऑनलाइन इतना मैं कुछ देखती नहीं थी, मुझे लगता है कि एक इतनी काम की चीज होती है, उस टाइम पे मेरे पास होती तो बहुत काम आते, क्योंकि तब मुझे बहुत बार बार चेंज करना पड़ता था कहीं कुछ कहीं कुछ। और छोटे बच्चे बहुत सारे गंदे करते हैं कपड़े, बहुत इकट्ठे, कोई कोई छोटे बच्चे होते ना 20-20 बार जाते हैं, मतलब अयान का तो ऐसा था स्टार्टिंग में, मैं इसको डॉक्टर के पास भी ले जाती थी लेकिन डॉक्टर कहते थे ये तो नॉर्मल है। और आप लोग कह रहे थे दीदी इनको मंगवाना कैसे ऑनलाइन, क्योंकि आपने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी थी वो काम नहीं कर रही है, तो मैंने जब आप लोग के कमेंट देखे तो मैंने सच में देखा तो वो काम नहीं कर रही थी अच्छे से, उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी इनका, तो आप भी इनको ऑनलाइन माइलो से मंगा सकते हैं, ये देखिए। और माइलो के डायपर की क्वालिटी भी काफी अच्छी है, तो आप यहाँ डिस्क्रिप्शन में चेक करिएगा, लिंक मिल जाएगी और वो लिंक काम भी करेगी, और आप वहां से मंगवा सकते हैं अपने साइज के, बच्चे के साइज के हिसाब से मंगवा सकते हैं, जितना छोटा बड़ा आपको मंगवाना हो। और आज दिन फ्राइडे है तो अब मम्मी नहा के पहले आ चुकी थी, मम्मी ने अभी मंदिर वंदिर साफ कर दिया है, भगवान जी वगैरह सब साफ कर दिए हैं, फिर मैंने आके पूजा के बर्तन साफ किए और उसके बाद में क्या, हाँ भगवान जी को नहलाया और इनसे मैंने फूल मंगा लिए थे खूब सारे, क्योंकि आज तुलसी माता जी की भी पूजा करनी है, तो बस। और यहाँ पर ये धूप बत्ती मैंने कपूर रख के जला दिया है, ये देखिए इतने फटाक से जल। तो बस अभी मैंने शुक्रवार की अपनी संतोषी माता की पूजा कथा ये सब कर ली है, उसके बाद में मैं अलग से एक थाली लगा ले रही हूँ, क्योंकि जिस दिन कार्तिक पूर्णिमा थी उस दिन मैंने तुलसी माता की पूजा नहीं कर पाई थी, क्योंकि उसी दिन खीर अठवाई ये सब बना के चढ़ाते हैं, क्योंकि उस दिन मम्मी को ले जाना था डॉक्टर के पास में, तो मैं यही सब डॉक्टर वगैरह सर्च करने में लगी हुई थी और फिर उतना कर ही नहीं पाई, दिमाग नहीं दौड़ा, तो मम्मी ने कहा कि ऐसे नहीं रखते हैं, किसी अच्छे दिन उनको पूज देना चाहिए, भले ही आज कर दो क्योंकि आज शुक्रवार भी है। और माता में बाली भी तैयार हो गई हैं, मतलब नया बीज भी तैयार हो गया तुलसी माता का, और कहते हैं जब माता में बाली निकल आती हैं तो फिर उनकी उनका विवाह भी कराया जाता है, तो इतना कुछ मैं जानती नहीं हूँ क्या विधि विधान है विवाह कराने का, और मेरे पास सालीग्राम भी नहीं है, सालीग्राम जी जो होते हैं उनसे इनका विवाह कराया जाता है, इसलिए कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन इनका पूजन कर देते हैं बस, तो उस दिन नहीं कर पाई तो आज मैंने इनको चूड़ी बिंदी चुनरी फल फ्रूट ये सब फूल माला चढ़ा के इनका अच्छे से पूजन कर दे रही हूँ, ताकि ये कोरी ना रहे। तो यहाँ पर ये देखिए बहुत तेज़ हवा चल रही है तो इनकी चुनरी उड़ उड़ जा रही है, एक भजन है ना मेरी मैया की चुनरी उड़ उड़ जाए, अगर आप लोगों ने सुना हो तो बुंदेलखंडी भजन है ये, तो ऐसे ही उड़ रही थी तो उनको मैंने फंसा दिया है और यहाँ पर कर दिया है पूजन। हवा बहुत तेज चल रही थी तो दीपक को मैंने वो ग्लास वाला जो मंगाया था ना दिवाली पे वो ढक दिया है। तो मैं वही कह रही थी इस बार मुझसे भूल हो गई थी, तो करना ज़रूर चाहिए, कोरी ना रहें भले ही बाद में कर दो। और सच में माता को जब पूरा श्रृंगार चढ़ गया है पूरा श्रृंगार तो कितनी भरी भरी लग रही है, तो बस इसीलिए मैंने कर दिया, और बस इनको आज इनको ऐसे ही रखेंगे, और ये है कि इनकी बाली भी उतार सकते हैं अच्छे दिन जाके, आज तो उनको पूजन किया है तो आज नहीं छूना चाहिए।
और यहाँ पर नंदिनी ने रखे थे आलू बॉईल करने के लिए, तो व्रत के लिए तल रही है आलू, मूंगफली, हरी मिर्च ये सब डाल के। और जब तक ये आलू तल रही है, चाय बन रही है, तब तक मैं लंच के लिए सब्जी वगैरह काट के तैयार कर देती हूँ। तो ये मैं जा रही हूँ लौकी काटने के लिए, लौकी की सब्जी बना लेंगे। और अब ये लौकी अच्छी लेके आते हैं, पहले शुरू शुरू में क्या है इनको सब्जी वाली मोटी मोटी लौकी पकड़ा देते हैं, तो जो बिल्कुल अंदर से खोखली निकलती थी, लेकिन जब मैंने एक दो बार इनको बताया ऐसी लौकी लेके आया करो ये अच्छी होती, तब से बहुत अच्छी, मुझसे भी अच्छी लौकी लेके आते हैं ये। तो बस सब्जी काट पीट के रख दे रही हूँ, और उसके बाद में हरी मिर्च वगैरह डाल के बिना प्याज लहसुन की ऐसी सिंपल सब्जी बना दूंगी मैं। और जब तक अभी जा रहे हैं चाय एंजॉय करेंगे, चाय बन गई है, आलू तल गए हैं, तो आ जाइए आप लोग भी और थोड़ा सा खा पी लेते हैं, और उसके बाद देखते हैं। और चाय वगैरह पी के मैं जा रही हूँ, कपड़े सुखा देती हूँ। मम्मी से कहती भी हूँ कि मशीन में ही डाल दूंगी मैं सब कपड़े डालूंगी, तो मम्मी हाथ से ही धो के डाल देती हैं, कहती कोई बात नहीं हम हाथ से ही धो ले रहे हैं अपने, तो हाथ से ही धो के फैला देती हैं बाथरूम में। तो बस इनको मैं सुखा दे रही हूँ, क्योंकि बहुत तेज़ चल रही हवा, देख रहे कितनी तेज़ चल रही। और ये देखिए जिस दिन से मनी प्लांट को बॉटल में लगाया है ना, उस दिन से उसमें एकदम जान आ गई, नई पत्ती भी निकल आई है एक कली। तो मैंने कहा आप लोगों को काफ़ी मतलब पहले से एक्सपीरियंस रहता है, जो छोटी छोटी चीज़ें मुझे बताते रहते हैं, वरना तो मैं यही सोचती कि पता नहीं क्यों नहीं लगा, क्या कमी रह गई। और लेकिन धनिया नहीं निकली है, धनिया को नहीं मैंने ढका, आप लोग कह रहे थे पॉलीथिन से ढक के देख लो, मैंने कहा छोड़ो निकलेगी निकलेगी, नहीं निकलेगी ना निकले। ये स्कूल से आ चुका है, वैसे ही मचाएगा दिन भर, ये मम्मी को बहुत तंग करता है क्योंकि उनसे बिल्कुल नहीं डरता, जब देखेगा कोई नहीं है तो उनसे कहेगा ये ढूंढ के दो मुझे, वो ढूंढ के दो, ऐसे ढूंढवाता रहता है। तो चलिए अभी इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड कर रही हूँ, मिलूँगी आप लोगों से फिर एक नए वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।